लोक विख्यात कतरव्यास भगवान सरन बापू बागेश्वर महाराज के समर्थन में आए। बालाघाट जिले में चल रही कथा के अंतर्गत लोक विख्यात कतरव्यास भगवान सरन बापू उज्जैन महाराज ने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा साधना गुरु कृपा एवं मंत्रों से जन कल्याण के कार्य किए जाने पर जिस भी व्यक्ति ने अंधविश्वास बताकर मनगढ़ंत आरोप लगाया है उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा किए हुए इस कृत्य से करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को ठेस पहुंची है। संत बापूजी ने कहा कि जब जब भी सनातन धर्म के लिए कोई आगे बढ़ता है तो विघ्न संतोषी लोग उसे रोकने का प्रयास करते हैं। आज तक इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी उसके समकालीन लोगों ने निंदा न की हो। सूर जी, मीरा जी, कबीर जी, तुलसी जी सबकी निंदा हुई है, क्योंकि अक्सर फल वाले पेड़ पर ही लोग पत्थर मारा करते हैं, कटीली झाड़ियों पर नहीं। लेकिन हमें लोगों की चिंता न करते हुए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। भोंकने वाले एक दिन चुप रह जाएंगे, हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। हम चाहते हैं कि जल्दी ही अपना देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बालाघाट से ब्यूरो रिपोर्ट। जीवन में कोई न कोई सद्गुरु आ जा रहा है। हमारे यहाँ मंत्रों में बड़ा चमत्कार है। अरे जब तुम्हें कोई पादरी थोड़ा सा चमत्कार दिखाकर ईसाई बना सकता है, कोई मुस्लिम थोड़ा सा चमत्कार दिखा के तुम्हें मुसलमान बना सकता है और तुम धर्म बदल के उनके तरफ जा सकते हो, तो मेरे सनातन धर्म के मंत्रों में कोई कम चमत्कार नहीं है। यहाँ आके तो देखो, जीवन में आनंद हो जाएगा। अभी अभी बागेश्वर धाम बालाजी के हमारे आदरणीय पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, वो चमत्कारों के द्वारा भूतों को भगाने का काम करते हैं और उनके पास कुछ नहीं है, हनुमान जी महाराज की कृपा है। सीधी सीधी जिस स्थान पर हनुमान जी महाराज विराजमान है वहां किसी सन्यासी महापुरुष ने तपस्या की थी और सन्यासी महापुरुष की कृपा उनके पास आ गई और वो लोगों का दुख दर्द ठीक कर आवे। महावीर जब नाम सुनावे तो हनुमान जी के नाम से ही तो वो भूत भगा रहे। इसमें भी लोगों को तकलीफ हो गई है। सनातन धर्म के चमत्कार को देखकर सनातन धर्म के लोग ही उंगली उठाने लगे और एक व्यक्ति ने कहा कि इन पर मुकदमा दायर किया जाए। ये क्या कर रहे हैं वो, क्या बोलते, जादू तो न करें। अरे हनुमान जी से जोड़ना जादू तो ना है क्या? मैं तो कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने उंगली उठाई है धीरेन्द्र शास्त्री जी पर, उस व्यक्ति पर मुकदमा दायर होना चाहिए। उसने करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट की है, आघात किया है। हमारा बोलिए राम बालाजी धाम की। जब जब भी सनातन धर्म की बात करने के लिए कोई आगे बढ़ा है तब तब उसके विरोधी उठकर खड़े हो गए हैं। किसी और मत मजहब के लोग चमत्कार दिखाएं तब किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन सनातन धर्म का कोई धर्माचार तुम्हें किसी चमत्कार मंत्र से जोड़कर तुम्हें भगवान में लगाए तो उसकी तुम्हें तकलीफ हो रही है। मेरे भाई बहन, मैं तो आशा करूंगा कि जिस भी व्यक्ति ने सनातन धर्म के सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।